अव्यवस्था घेरने कोरापुट केन्द्रीय विश्वविद्यालय वाइस चांसलर पदवी समेत एटी प्रोफेसर मरुड़ी लगी रही एपरिकी प्रशासनिक भवन निर्माण हो पार ना के कैंपस भितर तो आउ के कैंपस बाहर एवं पुणी बेले बेले छात्रावास अव्यवस्था नहीं छात्र छात्री मैंने आंदोलन करिसथि तथापि समस्या समाधान हो पार ना चलत लुटाइबा खबर जारी परवर्ती पृष्ठ अव्यवस्था अवहेला अनदेखा कोरापुटे थिबा ओडिसा रो एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय एबे अव्यवस्था घेर रे चली छि स्थाई हेउ कि अस्थाई एठारे प्रोफेसर को मरुडी लागि रहि छि सेही परि वाइस चांसलर पदवी भी खाली पड़ी छि एपरि कि प्रशासनिक भवन मध्य निर्माण होइ पारे नाही आनुसांगिक सुविधा सुजोग पाउनतिबारु अनेक समय रे छात्र छात्री माने आंदोलन को ओल्हाउछन्ति अनुमोदित 20 विभाग रु वर्तमान सुधा 14 विभाग खोली छि प्राय 400 एकर परिमित अंचल रे केवल 3टी स्थायी गृह केंद्रीय विश्वविद्यालय रो स्थिति को जाहिर करूछि 2009 मसीहा अगस्त 29 तारीख रे अस्थायी भाबे कोरापुट रो विश्लेषणात्मक आदिवासी गवेषणा केंद्र ठारे ओडिसा रो एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय उद्घाटित होइतिला एई अस्थायी क्यापसरे किछी मास चालिबा परे परवर्ती समय रे लांडीगुडा निकट को स्थानांतरित करा जायतिला एहा परे सुनाबेला रे प्राय 400 एकर परिमित अंचल रे केंद्रीय विश्वविद्यालय रो स्थायी कैंपस निर्माण काम आरंभ होइतिला इतिमध्ये रे 10 वर्ष पुरिलानी किंतु सुनाबेला रे केवल 2टी छात्र और छात्री निवास समेत गोटिए गेस्ट हाउस समेत 3टी स्थायी गृह निर्माण होई पारिछि पिला मानंको पाठ पढ़ा प्रोफेसर रूम मीटिंग रूम आदि पई अस्थाई भाबे गृह निर्माण करा जायछि एते बड़ अंचल रे केवल 3टी स्थायी गृह विश्वविद्यालय रो असल रूप को पदारे पकाई देछि एते बड़ विश्वविद्यालय रो प्रशासनिक कार्य करबा पई प्रशासनिक भवन टिए आज जाय निर्माण होई परला नाही किछि बिल्डिंग तांकर हला किन तांकर परमानेंट टीचिंग स्टाफ जे माने सो रहबा कथा प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर जे माने सो रहबा कथा से मानकर अपॉइंटमेंट हे पारु नाही आमर पिला माने कोठी रहउछंती क्लास होची गोटे जागा रे रहउछंती गोटे जागा रे हमें चाहतलु कोरापुट पाखरे जदि साइटटा सिलेक्शन नै चाहता जे हमें चाहतलु उसरा त सने कले नै दिल्ली रु बसी के जदि कंट्रोल करबे एमिति हबो फिल्डेबल रियलिटी नै 10 वर्ष मध्ये रे व्यापक अव्यवस्था मध्ये तेई विश्वविद्यालय गति करिछि जहा फल रे छात्र छात्री मानक मध्ये असंतोष दाना बांधिछि फल रे छात्र छात्री माने विभिन्न समय रे आंदोलन को मध्ये ओल्हाउछंती केतेबेले कैंपस भितरे तो केतेबेले कैंपस बाहरे एवं आउ केतेबेले छात्रावास रो अव्यवस्था नै छात्र छात्री माने छात्रावास मध्ये रे आंदोलन करिसंती तथापि समस्या रो समाधान होई परि नाही केंद्रीय विश्वविद्यालय उद्घाटित हेबा परे प्रथमे 5टी विभाग को नै पाठ पढा आरंभ होइतिला परवर्ती समय रे एहा धीरे धीरे 14टी विभाग रे पहुचिछि केंद्रीय विश्वविद्यालय 20टी विभाग पई अनुमोदन लाभ करितिबा सत्वे एहा दीर्घ वर्ष हेला 14टी विभाग रे सीमित रहि जाइछि केवल सेतिकि नहे 154 जण टीचिंग स्टाफ मध्यरु केवल 17 जण अछन्ति वर्तमान सुधा 15टी प्रोफेसर 28टी असोसिएट प्रोफेसर एवं 44टी असिस्टेंट प्रोफेसर पदवी खाली पडिछि सेहिपरि नॉन टीचिंग स्टाफ मध्यरे ग्रुप ए पई 20टी पदवी अनुमोदित होइतिबा बेले 15टी पदवी खाली पडिछि ग्रुप बी पई 29टी पदवी अनुमोदित होइतिबा बेले 24टी खाली पडिछि सेहिपरि ग्रुप सी क्षेत्र रे 66टी स्थान रे 54टी खाली पडिछि अन्य पक्षरे ओडिसा रो एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय रे कुलपति पदवी मध्य खाली पडिछि जेतु केंद्र रे बीजेपी सरकार अछि बोले ओडिसा सरकार को से अवहेला कर सब करी करी आसुची एवं जहाँ भी जेते जेते स्टूडेंट माने सब दाबी करी आसुचंती प्रोफेसर नांती बोले एबे मते प्रोफेसर से पोस्टिंग करू नांती से जानी साड़ी केंद्र सरकार एबोला अवहेला करू आसुची हेई नाही बोली कोई पर नै होउची किंतु जा हेबा कथा 10 वर्ष भीतर सेतकी हेई पारु नै अन्य पटे आंध्र प्रदेश रे गोटिए केंद्रीय विश्वविद्यालय रहितबा बेले एबे पुणी आउ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय किंबा केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापन नै संसद रे उपस्थापन करा जिवो सेही समय रे कोरापुट केंद्रीय विश्वविद्यालय रो अव्यवस्था संपर्क रे पुणी थरे संसद रे जणाईबी बोली कहचंती कोरापुट सांसद 10 वर्ष परे आज जे परिस्थिति देखिछु सेंट्रल यूनिवर्सिटी से टीचिंग गुटी प्रोफेसर नांती टोटल 154 टा जो टीचिंग पोजीशन अछि ता भीतर जणे असिस्टेंट प्रोफेसर
ପ୍ରଫେସରରେ 17 ଜଣ ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଆଉ ନିନ୍ଦନୀୟ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ସେ ବିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିବ ଏଇ ଇସ୍ୟୁଟା ଆମେ ପୁଣି ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବୁ। ତେବେ ଏହାର ଉନ୍ନତି ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସୁନାବେଡ଼ାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଏକ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ଏଠାରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ଏଟିଏମ୍ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ଶାଖା ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। We are going to, very shortly we are going to inaugurate ATM, our state bank ATM inside the campus, and we are going to plan a branch inside the university also. ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତୁଳନାରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିନଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 481 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 299 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କୁଳପତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତୁଳନାରେ ଆମେ ଯେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା କଥା ପ୍ରଗତି ହେବା କଥା ହେଇପାରିନି। ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାରଣ, କୋରାପୁଟର ଗମନାଗମନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହେଇପାରିନି। କିନ୍ତୁ ଅହରହ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଯେ ଟିଚିଂ, ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ୱି ଆର୍ ଅଲ୍ ଟୁଗେଦର, ୱି ୱାଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ଆଗଉଛୁ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରରେ ପଡି ରହିଥିବା କୋରାପୁଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଦୁଃଖର ଦିନ କେବେ ସରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। କୋରାପୁଟରୁ ନିରଜ ଶତପଥୀ, ସିମିଜା।